हेलो फ्रेंड्स, जेन्युइन क्लासेस में मैं अरविंद आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर था विद्युत धारा, और विद्युत धारा में हम लास्ट की तरफ चल रहे हैं क्योंकि ये खत्म होने वाला है चैप्टर। लास्ट दो टॉपिक बचे हुए हैं, धारा जनित्र के बारे में आपको पता ही है, इनको जनरेटर बोलते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है धारा जनित्र, ठीक है ना। जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, एसी और डीसी, ठीक है ना। एसी का मतलब हम बोलते हैं अल्टरनेट करेंट, ठीक है ना। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करेंट। इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, किस सिद्धांत को ये फॉलो करेंगे, किस प्रिंसिपल को ये फॉलो करेंगे, क्या क्या सेगमेंट होंगे, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप आसानी से और बहुत आसान तरीके से आप समझने वाले हैं इस टॉपिक को, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं धारा जनित्र। सबसे पहले हम बात करते हैं धारा जनित्र होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो आपको पता है कि गाँव में आप देखते हो, पहले जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो आपको पता है जनरेटर यूज में आते थे, और आज भी आते हैं गाँव में। तो जनरेटर जिसमें हम मतलब कि ईंधन डाल के, मतलब कि डीजल डाल के या फिर कैरोसिन, जो भी आप ईंधन डाल के जब जनरेटर को आप चालू करते हो तो वो क्या घूर्णन करता है। घूर्णन करेगा तो यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? यांत्रिक ऊर्जा। और वही यांत्रिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट होती है? विद्युत ऊर्जा में, ठीक है ना। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत धारा। विद्युत धारा का मतलब जैसे कि विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उसमें क्या उत्पन्न होती है? विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और उस विद्युत धारा को हम क्या कहेंगे? धारा जनित्र कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? धारा जनित्र। तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसे ही हम धारा जनित्र कहते हैं, कि वह उपकरण, वह युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करे क्या कहलाएगी? धारा जनित्र कहलाएगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? वह युक्ति जिसमें चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली से चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली से यांत्रिक ऊर्जा देकर घूर्णन कराया जाए यांत्रिक ऊर्जा देकर घूर्णन कराया जाए। तो घूर्णन करवाकर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊर्जा क्या होगी? तो घूर्णन कराकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। क्या की जाती है? उत्पन्न की जाती है। तो डेफिनेशन क्या हो गई इसकी? इसकी डेफिनेशन हो गई, वह युक्ति जिसमें चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली से यांत्रिक ऊर्जा देकर, या इसको हम बोल सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा देकर घूर्णन करवाकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा जब किसी भी जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा देंगे तो घूर्णन करेगा, तो उसकी जो एनर्जी होगी उस एनर्जी से क्या बनेगी? विद्युत ऊर्जा बनेगी। तो डेफिनेशन क्या हो गई धारा जनित्र की, कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन क्या कहलाएगा? धारा जनित्र कहलाएगा, ठीक है ना। तो वह युक्ति जिसमें चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली से यांत्रिक ऊर्जा देकर या घूर्णन करवाकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाए, उसे हम क्या कहेंगे? धारा जनित्र। क्या कहेंगे? धारा जनित्र। तो ये वाली जो प्रोसेस है, जो विद्युत धारा जनित्र है, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। विद्युत धारा जनित्र दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक आपका होता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट करंट, और इसको एसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है शॉर्टकट में इसको? एसी, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र को हम बोलते हैं अल्टरनेट करंट, ठीक है ना। नाम ही है प्रत्यावर्ती,
तो इसका मैं मीन्स बताऊंगा। अभी आपको इतना देख लो कि विद्युत धारा जनित्र की हम बात करें तो दो प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। एक तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। एक है दिष्ट धारा जनित्र, दिष्ट धारा जनित्र, दिष्ट धारा जनित्र, ये इसको हम बात करेंगे डीसी की। तो हमेशा बोर्ड के अंदर ये दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और बड़े अच्छे मार्क्स में भी आते हैं। कहने मतलब 3 या 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है इसका, कि या तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में पूछ लेंगे एसी के बारे में, या किसके बारे में पूछ लेंगे, दिष्ट धारा जनित्र या डीसी के बारे में। तो एसी मतलब अल्टरनेट करंट और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। अभी जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। एसी के बारे में आपको पूरा बताऊंगा, किसके बारे में बताऊंगा, एसी के बारे में। उसके बारे में फिर हम अगले वीडियो में जो पढ़ेंगे वो लास्ट जो हमारा वीडियो होगा चैप्टर का वो होगा दिष्ट धारा जनित्र। कौन सा होगा, दिष्ट धारा जनित्र या डीसी। तो आज जो हम डिस्क्राइब करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो एसी है। आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलें, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो इस टॉपिक का तो ले सकते हो। देखो फ्रेंड्स, मेरा जो मिशन है वो 2020-21 9th, 10th, 11th, 12th क्लास का साइंस मैं आपको इम्प्रूव करने का है, साइंस के बेसिस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने का है। इसीलिए मैंने ये कोर्स चालू किया है, ठीक है ना, ये क्लासेस चालू की हैं। तो आप यहाँ पर आसानी से समझ सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत हो तो, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका फटाफट से, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो अभी आपने देखा कि डेफिनेशन क्या होती है विद्युत धारा जनित्र की। विद्युत धारा जनित्र को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र। आज जो हम स्टडी करेंगे वो है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। कौन सा है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, जिसको आप क्या बोलते हो, एसी। क्या बोलते हो, एसी। अब देखो एसी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, आपने देखा होगा जो मैरिज गार्डन वगैरह होते हैं, ठीक है ना, या फिर कोई भी प्रोग्राम हो रहा हो बड़ा, तो अब इलेक्ट्रिसिटी का तो क्या पता कभी भी कैसे भी ऑफ ऑन ऑफ हो सकती है, बट जनरेटर होने से हमेशा इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, क्योंकि ये एक मतलब रखना ही पड़ता है एडवांस में, या फिर मतलब कि एक सब्सिडी रखना पड़ता है कि एक जनरेटर हो जिससे कि रुकावट नहीं आए इलेक्ट्रिसिटी में, हमेशा रेगुलर आती रहे, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा उपकरण है जिस जो ईंधन से यांत्रिक ऊर्जा को देकर हम उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं और ये काम करता है। तो ये किस सिद्धांत से काम करता है, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है ना, इसकी बनावट क्या है और इसकी क्रियाविधि क्या है। मैं आपको चार टॉपिक बढ़ाने वाला हूं इसमें। सबसे पहली बात, इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य का मतलब इसका वर्क, मतलब कि काम क्या करता है, काम क्या करता है, उद्देश्य क्या है इसका, ठीक है ना। दूसरी बात, सिद्धांत क्या है, कौन सा सिद्धांत को फॉलो करता है, किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, वो पढ़ाने वाला हूं मैं आपको। तीसरा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा इसकी बनावट या संरचना, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है ना। और जो चौथा पॉइंट है वो है इसकी कार्यविधि, इसकी वर्किंग क्या है, इसकी कार्यविधि क्या है, वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। तो हम जैसे कोई भी उपकरण हो, चाहे वो एसी हो, डीसी हो, ट्रांसफार्मर हो, ठीक है ना, आपका प्रेस हो, पंखा हो, कुछ भी हो, सारे उपकरणों का चार पॉइंट होते ही हैं, ठीक है ना। एक तो उसका उद्देश्य ऑब्जेक्ट होता है कि काम कैसे करता है, क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट है क्या, ठीक है ना, प्रिंसिपल किस सिद्धांत पे वर्क करता है, ठीक है ना। तीसरी बात, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, बनावट क्या है, और चौथी बात उसकी वर्किंग क्या है, कि वर्किंग प्रोसेस क्या होती है। तो अभी सबसे पहले देखते हैं कि एसी का उद्देश्य क्या है। तो अभी हम देखने वाले हैं इसका उद्देश्य, उद्देश्य इसका ऑब्जेक्ट क्या है, या इसकी डेफिनेशन क्या है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की। तो वह युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, वह युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे उसे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। तो ये तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया, इसकी डेफिनेशन हो गई एक्चुअली में,
कि वह युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे उसे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कॉन्सेप्ट वही है जो जनित्र का, एक्चुअली में तो जनित्री तो है ही है, ये जनित्र तो है। तो जनित्र का क्या उद्देश्य था, उसकी क्या डेफिनेशन थी? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना, तो इसके भी क्या डेफिनेशन होगी? बट वो जो ऊर्जा होगी, वो जो विद्युत ऊर्जा होगी, वो कौन सी होगी? प्रत्यावर्ती। देखो प्रत्यावर्ती अल्टरनेट का मतलब है जैसे एक बार कोई चीज आई, उसके बाद दोबारा, उसके बाद चौथी बार, पांचवी बार, ऐसे रोटेशन होता रहता है। अब इसमें क्या है, मतलब जो धारा की जो दिशा है वो बदलती रहती है। देख कोई भी चीज है, कोई भी, जैसे मान लीजिए ये है, इसको मैं घुमाऊंगा, इसका घूर्णन होता रहेगा, इस पे इस कोई पंखा या कुछ भी है तो इसका घूर्णन होता रहेगा। तो इसके मतलब जैसे कि मैं बता सकता हूँ, जैसे ये मेरा हाथ है, अभी ये ऐसा है, मैं इसको घुमाऊंगा फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, तो एक बार तो ये क्या हो जाएगा, एक बार तो समानांतर हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा, लंबवत। ये वाली पोजीशन क्या है? लंबवत है और ये पैरेलल है, समानांतर है, ठीक है ना। तो एक बार लंबवत, एक बार समानांतर, एक बार लंबवत, ऐसे घूमता रहेगा, ऐसे घूमता रहेगा तो क्या होगा, घूर्णन होता रहेगा। कोई भी जो मोटर है, जो भी है, वो घूर्णन करती है, घूर्णन करने से क्या उत्पन्न होगा, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, सॉरी प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होगी या प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न होगी, ठीक है ना। और उसे हम क्या कहेंगे, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहेंगे उसे। अब उद्देश्य हो गया सिद्धांत। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण, क्या बताया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में मैंने आपको बताया था कि कोई कुंडली है और कोई चुंबक है, अगर उसके मध्य सापेक्ष गति करवाऊं तो उस सापेक्ष गति से क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय प्रवाह, उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये जो उपकरण है, इसका जो सिद्धांत है, ये जिस सिद्धांत पर या जिस प्रिंसिपल पर वर्क करेगा उसका नाम है विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है ये। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, ठीक है ना। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण इसका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, इसका क्या हो गया, सिद्धांत हो गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसकी बनावट पर, किस पे चलते हैं, इसकी बनावट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कैसे बनता है, क्या क्या इसमें और भी उपकरण यूज में आते हैं। तो एक बार आप इसको लिख लो, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी बनावट क्या है, कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की बनावट कैसे होती है, है ना, संरचना क्या होती है इसका। तो इसकी संरचना देखते हैं हम, ठीक है। संरचना देखने के लिए हम दो शक्तिशाली बड़े बड़े चुंबक लेते हैं। ये मैंने दो शक्तिशाली बड़े बड़े चुंबक ले लिए, चुंबक एक तो मैंने ले लिया एन नॉर्थ इसका, और एक ले लिया साउथ, दो बड़े बड़े पोल ले लिए मैग्नेट के। इनके बीच में मैंने एक कुंडली रख दी जो आयताकार होगी, कैसे होगी, रेक्टेंगल टाइप में होगी, आयताकार कुंडली होगी। ये आयताकार कुंडली, कुंडली मतलब जिसपे तांबे का तार जो भी लिपटा हुआ हो, ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे, आयताकार कुंडली कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, आयताकार कुंडली कहेंगे, ठीक है ना। इसको मैं बोल सकता हूँ ए बी सी डी, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, ठीक है ना, क्या बोल सकता हूँ, ए बी सी डी। तो हम बात कर रहे थे संरचना की, तो ये मैंने दो पोल ले लिए बड़े बड़े नाल चुंबकीय, एक एन और एस, है ना, ये बड़े बड़े चुंबकीय ध्रुव हो गए, है ना, चुंबकीय ध्रुव, ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गए आपके, एक तरह से चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बड़े बड़े नाल, ठीक है ना, नॉर्थ और साउथ इनके बीच मैंने एक आयताकार कुंडली रख दी है। इस आयताकार कुंडली को हम बोलते हैं आर्मेचर, क्या बोलते हैं इसको, आर्मेचर बोलते हैं, आर्मेचर इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, आर्मेचर बोला जाता है। अब यहाँ से अब कोई भी चीज़ हो, अब ऐसा तो नहीं जब तक मैं किसी भी चीज़ के बीच में शाफ्ट नहीं लगाऊंगा, या जैसे कोई भी मोटर है कुछ भी, उसके बीच में कुछ ना कुछ लगा रहता है जिससे कि वो घूम सके, ठीक है ना, घूमने के लिए कुछ लगाना पड़ता है। तो इसके बीच में मैं क्या लगाऊंगा, एक शाफ्ट लगाऊंगा जिससे कि ये कुंडली घूम सके, ठीक है ना। तो ये क्या लगा दिया मैंने, शाफ्ट लगा दी जिससे कि ये घूम सके, क्या लगा दी, शाफ्ट, जिससे कि ये घूम सके, घूर्णन कर सके, ठीक है ना, शाफ्ट लगा दिए, ठीक है। अब ये आयताकार कुंडली है, अब ये कुंडली किसकी बनी होगी, क्या प्रोसेस होगी, इसके मैं बात करूंगा। सबसे पहले इसकी संरचना बना देता हूँ मैं, ठीक है ना। अब तो यहाँ तक हो गया, अब यहाँ पर होने के बाद में इसमें दो ब्रश लगी रहती हैं, क्या लगी रहती हैं, दो ब्रश लगी रहती हैं, एक मिनट मैं बना रहा हूँ इसको, आगे मैं इसको जोड़ दूंगा ऐसे, एक मिनट,
इसको मैं आगे क्या करूँगा, ऐसे इसको लंबा करके ऐसे, ठीक है ना, इसको और ऐसे इसको बना दूंगा। ये सर्पी वाले होते हैं, मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। ये सर्पी वाले हो गए, तो क्या हो गए, सर्पी वाले हो गए, दोनों ब्रशों से जुड़े रहते हैं। एक ब्रश ये हो गई है, एक ब्रश ये हो गई है, इनको मैं यहाँ से ऐसे जोड़ दूंगा गैल्वेनोमीटर से, जिससे इनका करंट फ्लो होता रहे, ठीक है। तो ये दो क्या हो गए, ये ऐसे होगा, तो ये तो दो ब्रश हो गई हैं, क्या हो गई हैं, ब्रश हो गई हैं B1 और B2। इसको मैं बोलूँगा B1, कार्बन की बनी होती हैं, और ये क्या होती है, B2। आपको पता है जितने भी मोटर्स होती हैं सब में रहती हैं ब्रश, आपको देखा होगा कार्बन की बनी होती हैं ये। इनको हम, एक को मैं बोल सकता हूँ C1, एक को C2 बोल सकता हूँ। आपकी बुक में S1 S2 बोल रखा है RBSC बोर्ड की में, तो आप इनको S1 S2 बोल देना, S1 ये रहा और S2 ये रहा। तो इनको हम बोलते हैं सर्पी वाले, क्या बोलते हैं इनको, सर्पी वाले। क्षेत्र चुंबक हो गया, इसको चुंबकीय क्षेत्र ना बोल के क्षेत्र चुंबक बोलो ना, क्षेत्र चुंबक हो गया, ठीक है ना। ये आपका आर्मेचर हो गया आयताकार कुंडली, ये सर्पी वाले हो गए S1 S2, और ये ब्रश हो गई, इनको ब्रश बोलेंगे, क्या बोलेंगे इनको, ब्रश बोलेंगे, कार्बन की बनी हुई रहती है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का, आराम से आप इसको देख सकते हो, बना सकते हो साथ में, ठीक है ना। मैंने दो चुंबकीय नाल लिए बड़े बड़े, ये चुंबकीय नाल होते हैं, बहुत बड़े बड़े चुंबक होते हैं, इन मैग्नेटों के बीच मैंने इस कुंडली को रख दिया जो एक रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है ना। इसके बीच में इसको घूमने के लिए, राउंड करने के लिए मैंने साफट लगा, इससे घूम सके, घूर्णन कर सके। आगे जाके दो सर्पी वाले जुड़े हुए हैं, और सर्पी वाले से सटीक बिल्कुल सटा के B1 B2 मतलब ब्रश जुड़ी हुई है, जो किसकी बनी होती है, कार्बन की बनी हुई रहती है, किसकी बनी हुई रहती है, कार्बन की बनी हुई रहती है, ठीक है ना। वो उनको मैंने जोड़ दिया, तो सर्पी वाले S1 S2 हो गई है, ब्रश B1 B2 हो गई है, ठीक है ना। अब क्षेत्र चुंबक जो होते हैं, शक्तिशाली नाल होते हैं, ठीक है ना, इन्हीं चुंबक कहते हैं इनको। आर्मेचर आयताकार कुंडली होती है, कच्चे लोहे की बनी हुई होती है, इस पर तार लपेट दिया जाता है तो कुंडली बन जाती है। सर्पी वाले की बात करें S1 S2 की, ठीक है ना, ये भी धातु के बने होते हैं, धातु के बने होते हैं, दो होते हैं, एक को S1 बोलते हैं, दूसरे को S2, दोनों अलग अलग होते हैं और ब्रशों से जुड़े हुए रहते हैं। ब्रश जो होती है कार्बन की बनी हुई होती है, किसकी बनी होती है, कार्बन की बनी होती है, और दो ब्रश होती है, एक होती है B1 और एक होती है B2, ठीक है ना, जो बिल्कुल सर्पी वाले के सटाके बिल्कुल पास में आके लगी होती है। तो ये इसकी बनावट हो गई है। वापस से बताता हूँ फटाफट से, कि हमने तो चुंबकीय नाल लिए, इनको क्षेत्र चुंबक बोलते हैं, उनके बीच में एक आयताकार कुंडली ली, इसे आर्मेचर बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में हमने आयताकार कुंडली, उसको साफट लगाई से वो घूम सके, और उसके बाद में नीचे दो सर्पी वाले होते हैं S1 S2, उसके सटा के बिल्कुल ब्रश लगी होती है B1 B2। ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई, संरचना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब देखो कितना आसान है इसको बनाना डायग्राम को, आपको बहुत टिपिकल लगता है बट ये बहुत आसान है। अब हमने इसका उद्देश्य पढ़ लिया, सिद्धांत पढ़ लिया, बनावट पढ़ ली, अब लास्ट जो टॉपिक है इसका वो है क्रियाविधि क्या होती है, इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की क्रियाविधि क्या है, वर्किंग प्रोसेस क्या है, तो वर्किंग प्रोसेस कुछ नहीं है इसकी, सॉरी मैंने ये डायग्राम मिटा दिया, आप उसको आसानी से समझ पाते, बट कोई नहीं, फिर भी मैं समझा दूंगा आपको, आप डायग्राम को देख के एक बार इसको समझना। कि सबसे पहले इस प्रत्यावर्ती का मतलब क्या है, मैंने बताया था आपको कि हर आधे घूर्णन में, जब आर्मेचर या कुंडली आधा घूर्णन करेगी, हर आधे घूर्णन में धारा की दिशा परिवर्तित होगी, हर आधे घूर्णन में, आधे घूर्णन में धारा की दिशा परिवर्तित होगी, धारा की दिशा परिवर्तित होगी, धारा की दिशा परिवर्तित होगी हर आधे घूर्णन के अंदर, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया आपको, वापस से मैं बता देता हूं एक बार इधर देखिए, मैंने बताया ये बिल्कुल समानांतर है और ये लंबवत है, ऐसे घूर्णन करती रहेगी और हर आधे घूर्णन में धारा की दिशा परिवर्तित हो जाएगी। तो धारा की दिशा परिवर्तित हो रही है मतलब वो अल्टरनेट है, अल्टरनेट चेंजेस हो रही है, इसीलिए इसको प्रत्यावर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रत्यावर्ती, क्योंकि हर आधे चक्कर में, हर आधे घूर्णन में क्या हो रही है, धारा की दिशा बदलती रहती है, ठीक है ना। तो जैसे अगर मैं इसको यांत्रिक ऊर्जा दूंगा, यांत्रिक ऊर्जा देने के बाद ये घूमेगी, जो कुंडली है, जो आपका आर्मेचर है, घूमेगा, घूमने के बाद हर आधे घूर्णन में धारा की दिशा बदलती रहेगी,
ठीक है ना, और जो सर्पी वाले हैं और जो ब्रश है वो भी चेंज होते रहेंगे, तो घूमेगी तो चेंज होंगे, एक बार B1 B2 की तरफ, एक बार S1 S2 की तरफ, तो S1 S2 B1 B2 सटे हुए हैं तो हर आधे घूर्णन में चक्कर लगाते रहते हैं। जब ये घूर्णन करेंगी यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करेगी तो उससे क्या उत्पन्न हो जाएगी, विद्युत ऊर्जा, और हमें क्या चाहिए, विद्युत ऊर्जा चाहिए। तो इस प्रकार से इसका वर्किंग प्रोसेस होता है, इस प्रकार से हम इसको विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं, और ये क्या कहलाता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहलाता है। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति की विद्युत ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से, ठीक है ना। 50 हर्ट्ज आवृत्ति की विद्युत ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, जिसको आप घरों में यूज में लेते हो या जो आपके फंक्शन होते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी का यूज आता है तो इसका यूज आता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मैंने आज आपको बहुत अच्छे से बताया है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होता है, AC क्या होता है, ठीक है ना। इसके जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि DC क्या होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है, दिश धारा जनित्र क्या होता है। कोई भी दिक्कत है, मेरा आपको फॉर्मूला या मेरा तरीका पढ़ाने का समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसमें परिवर्तन करूंगा, मैं उसमें सुधार करूंगा, क्योंकि मैं अभी मेरा शुरुआती है यूट्यूब पर, ठीक है ना। तो यूट्यूब पर अगर मेरे से कोई भी वीडियो में कोई भी मिस्टेक हो रही है, मैं कोई भी गलती कर रहा हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। मेरे वीडियोज़ को लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है आपको, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना है, तभी आप मेरे से जुड़ पाओगे, इससे अधिक ऑथेंटिक आपको खनी मटेरियल मिलने वाला। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।